एवरीवन, वेलकम टू बेलीजीएटीज। नीट 2022 प्रिपरेशन करते हुए आप में से काफी बच्चों ने मॉक टेस्ट देने शुरू कर दिए होंगे, चाहे आप लोग पार्ट सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं या फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे रहे हैं। मॉक टेस्ट देते हुए ना बच्चे एक चीज बहुत सफर कर रहे हैं कि दी जो हम चाह रहे हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड स्कोर हो, मॉक टेस्ट में उतना स्कोर नहीं बन पा रहा है। हम चाह रहे हैं हम 620 पे जाए, हम 580 पे अटक जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं हम 680 प्लस पे जाए, हम लोग 650 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस चीज को कैसे इंप्रूव किया जाए, सबसे पहले तो ये जान लो कि हम लोग मॉक टेस्ट क्यों देते हैं। बच्चे हम मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा फाइनल एग्जाम होने वाला है 17 जुलाई को, वो क्वेश्चन पेपर देखकर हमें कुछ नया नया सा ना लगे। ऐसे ना लगे कि यार ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये पेपर पैटर्न तो मुझे पता ही नहीं था, या फिर कैसे इतने सारे क्वेश्चंस को विद इन 3 आवर्स 20 मिनट्स से मुझे करना है, वो टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक में सीख सकूं। तो इन शॉर्ट हम मॉक टेस्ट इसलिए देते हैं ताकि जो हमारा फाइनल पेपर है वो बहुत स्मूथली और इजिली हम लोग सॉल्व कर सके। आपका जो 17 जुलाई को पेपर होने वाला है एक तरीके का मॉक टेस्ट ही तो है, आपके सारे किए हुए मॉक टेस्ट का फाइनल वर्जन वो होने वाला है। मैं हायर वर्जन नहीं कहूंगी क्योंकि कई बार आपने एस्पिरेंट्स को ये कहते हुए भी सुना होगा कि यार नीट का पेपर जो मैंने दिया वो मेरे मॉक टेस्ट से भी इजी था, इससे डिफिकल्ट तो मैं कोचिंग में मॉक टेस्ट दिया करता था। तो आप ये मत सोचो कि जो मॉक टेस्ट आप दे रहे हो उससे डिफिकल्ट आपका नीट का पेपर आने वाला है। आपका नीट का पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, और अगर एनसीईआरटी आपके टिप्स पर है तो आपका नीट का पेपर शानदार हो जाएगा। तो हम मॉक टेस्ट क्यों देते हैं, ताकि हम लोग उस फाइनल डे के लिए खुद को प्रिपेयर करा सके, ताकि हम लोगों को पहले से ही पता चल सके कि क्या क्या गलतियां हैं जो कि हमें उस फाइनल डे के दिन नहीं करनी है, ताकि हम लोग अपना बेस्ट आउटपुट उस दिन जनरेट कर सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप लोग अपने लो मॉक टेस्ट को इंप्रूव कर सकते हो। बच्चों दो फैक्टर्स हैं आपके लो मॉक टेस्ट के पीछे। सबसे पहला फैक्टर आता है एक्सटर्नल फैक्टर, और उस एक्सटर्नल फैक्टर में भी आता है आपके आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस। आप में से काफी बच्चे खुद ही एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि 200 क्वेश्चंस का अगर आप मॉक दे रहे हो तो उनमें से कई बार 10-20 क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि जो मॉक टेस्ट पेपर आप दे रहे हो उनमें आपके लो स्कोर का रीजन है वो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस, तो बच्चे आप तो सेफ साइड में हो एकदम, क्योंकि वो आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस आपके नीट में नहीं आएंगे। अगर आप पिछले 5 साल के नीट का पेपर उठाकर देखो तो पेपर कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आया है। तो अगर आपके लो मॉक टेस्ट का रीजन आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस है तो उन आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस के बेसिस पर अपनी परफॉर्मेंस को जज मत करो। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने के बाद आपका जो स्कोर बन रहा है वो स्कोर आपकी फाइनल प्रिपरेशन बताता है, ठीक। दूसरी चीज आता है कि किस एनवायरनमेंट में आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो। कई बार घर वालों से लड़ लेते हो और उसके बाद सोचते हो मॉक टेस्ट दूंगा, अरे बड़े खराब मन के साथ मॉक टेस्ट दे रहे हो। कई बार जो बच्चे स्पेशली जॉइंट फैमिली में रहते हैं, अब एक ही कमरे में पेरेंट्स भी है, बच्चे भी खेल रहे हैं, वहीं पे तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, उस वाले एनवायरनमेंट में बच्चा फुली फोकस रहते हुए मॉक टेस्ट नहीं दे पाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये दो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आपके लो मॉक टेस्ट के पीछे, तो बच्चे आपकी गलती नहीं है। इसको इंप्रूव कैसे करना है, आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस की वजह से मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो उन आउट ऑफ एनसीईआरटी वाले क्वेश्चंस को फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हैं, आप एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पर ही फोकस करें। दूसरा, अगर फैमिली एनवायरनमेंट की वजह से आप लोगों का लो मॉक टेस्ट हो रहा है तो कोशिश करो आप लोग अपना मॉक टेस्ट उस टाइम पर दो जहां पर घर वाले भी अपने अपने काम में बिजी होंगे और आपको एक शांत एनवायरनमेंट मिल सकेगा। या फिर सबसे बेहतरीन तो यह रहेगा कि 2 से 5:20 वाला जो टाइम स्लॉट है उसमें आप लोग मॉक टेस्ट या तो अपनी सिटी में कोई लाइब्रेरी है वहां जाकर दे दो, या फिर घर पे कोई ऐसा प्लेस तुम्हें लग रही है, कई बच्चे तो किचन में भी जाके पढ़ता है, गलत क्या है। अगर तुम्हें लग रहा है ये 2 से 5:30 बजे के बीच वाला टाइम तुम्हारा किचन में एकदम फ्री टाइम रहता है, वहीं बैठकर मॉक टेस्ट दे दो। इन शॉर्ट शांत एनवायरनमेंट में मॉक टेस्ट दो, क्योंकि जब तुम नीट का पेपर दे रहे होंगे वहां पे शोरगुल नहीं होगा, तुम्हें भी पता होगा कितनी शांति होगी, ताकि बच्चा फुल कंसंट्रेशन के साथ पेपर दे सके। अब दूसरा फैक्टर जो कि आपके लो मॉक टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है आप खुद। सबसे पहली चीज, कई बार बच्चे ना मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले ही हड़बड़ा जाते हैं कि पता नहीं इस मॉक टेस्ट में मेरे कितने नंबर आएंगे, क्या जितने नंबर आएंगे वही मेरा नीट का फाइनल स्कोर होगा। और कई बच्चे तो मॉक टेस्ट के डर से कभी मॉक टेस्ट देते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि यार मैं रिविजन पर ही फोकस करता हूँ, जो होगा फाइनल पेपर के दिन देखा जाएगा, जो कि सबसे बड़ी गलती है। बच्चे नीट एग्जाम देने से पहले कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट तो आप जरूर दे दीजिएगा, ताकि आपको पता चल सके कि वो 3 घंटे 20 मिनट में सच में आप 200 क्वेश्चंस रीड कर पाओगे, वो 180 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक की प्रिपरेशन हो भी पाएगी या फिर नहीं, ठीक। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से, पहले ही घबराने की वजह से बच्चा फुल एफर्ट्स के साथ पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाता है। इसको कैसे सॉल्व करना है भैया, देखो जब आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो ना, ये मत सोचो कि मॉक टेस्ट में जो स्कोर आएगा वो आपका फाइनल स्कोर है। आप किसी भी नीट टॉपर का इंटरव्यू उठा दो जिसमें उन्होंने मॉक टेस्ट देने के बारे में बात करी होगी, आपने खुद सुना होगा कि वो कहते हैं कि यार मेरे भले ही नीट में 700 या 710 या 720 नंबर आए, लेकिन एक ऐसी स्टेज भी थी जब मेरे 550
600 या फिर मतलब बिलो 650 भी नंबर आते थे, लेकिन ये उनका फाइनल स्कोर तो नहीं रहा, फाइनल स्कोर तो उनका बहुत अच्छा आ गया। तो मॉक टेस्ट में अगर कम स्कोर आ रहा है तो उन गलतियों से सीखो कि कहां पर गलती हो रही है। अभी गलती हो रही है अच्छी बात है ना, ताकि फाइनल डे के दिन गलती ना हो सके। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाली चीज आपके मॉक टेस्ट देने को रोकनी नहीं चाहिए। मॉक टेस्ट दो, गलतियां हो रही है तो उन गलतियों पर वर्क करो, तभी जाकर तो फाइनल डे तुम इंप्रूव वर्जन के साथ पेपर दे पाओगे। दूसरी चीज है लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। बच्चा उस 3 घंटे 20 मिनट में 200 क्वेश्चन रीड करने लायक खुद को प्रिपेयर नहीं करा पा रहा है। देखो, टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम। किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छी रैंक लानी है तो टाइम मैनेज करना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। मेरी तो कई बार कितने नीट टॉपर से जब बात हुई है तो उन्होंने ये तक मुझे कहा है कि दी, हम लोगों ने बायो का सेक्शन विद इन 30 मिनट सॉल्व कर लिया था। तो आपकी भी वही स्पीड होनी चाहिए ना, स्पेशली बायोलॉजी में तो आप लोग अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। मेरा ये मानना है कि बायोलॉजी में सपोज अगर आप लोग 100 क्वेश्चन कर रहे हो तो उन 100 क्वेश्चन करने के लिए 100 / 2 मैक्सिमम 50 मिनट्स आप लोगों को लगने चाहिए। बायोलॉजी में अगर आप लोग 50 क्वेश्चन कर रहे हो तो 50 / 2 मैक्सिमम 25 मिनट आप लोगों को लगने चाहिए। बायोलॉजी के जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डिवाइडेड बाई टू शुड बी द मैक्सिमम टाइम टेकन टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। इस चीज को ध्यान रखते हुए आप लोग पेपर देंगे। टाइम मैनेजमेंट कब सीखोगे? जब मॉक टेस्ट दोगे। तो मॉक टेस्ट देते हुए टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दो, तभी जाकर तो क्वेश्चंस टाइम पर अटेम्प्ट करना आप लोग सीख पाओगे। तीसरी चीज आती है कि सिली मिस्टेक्स हो रही हैं जिसकी वजह से लो मॉक टेस्ट स्कोर आ रहा है। अब इन सिली मिस्टेक में सबसे पहले होता है रीडिंग मिस्टेक कि दी, क्वेश्चन में पूछा था मार्क द फॉल्स स्टेटमेंट, मैंने 2 वाला मार्क कर दिया। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले उस क्वेश्चन को मिनिमम 2 बार तो पढ़ना। मेरा ये मानना है 3 बार क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद आप लोग OMR शीट में फिल करो। 3 बार पढ़ना ज्यादा लग रहा है तो कम से कम 2 बार तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, ठीक। तो रीडिंग मिस्टेक को कैसे अवॉइड करना है? कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन को रीड करना है, उसके बाद OMR में आपको मार्क करना है। दूसरी चीज, OMR बबलिंग मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 3 में लिख दिया, इसमें भी यही करना है। OMR शीट में उन बबल को फिल करने से पहले सीक्वेंस देखना है। 2 का आंसर सी है तो मैं 2 पे ही मार्क कर रहा हूँ, कहीं 3 पे तो नहीं मार्क कर रहा हूँ। ये सिली मिस्टेक ही है बच्चे, जिसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे की अगर प्रिपरेशन बहुत अच्छी भी रही होगी उसकी वजह से भी उसका लो स्कोर चला जाता है। तो इन दोनों पर भी आपको वर्क करना है। और ये 2 पे वर्क कैसे होगा? जब आप मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट में गलतियां होगी तभी तो सीखोगे कि फाइनल डे के दिन मुझे ये दोनों मिस्टेक्स नहीं करनी है। लास्ट चीज, लो मॉक टेस्ट का रीजन कि कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है। लो मॉक टेस्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि NCERT में जो दिया था तुम्हें अभी तक ढंग से समझ नहीं आया है, या फिर तुम्हें लगता था कि तुम्हें समझ आ गया है लेकिन असल में अभी उन टॉपिक्स पे वर्क करने की जरूरत है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन अगर इस वजह से गलत हुआ है क्योंकि तुम्हें आता ही नहीं था, या फिर तुम इसलिए अटेम्प्ट नहीं कर पाए क्योंकि तुम्हें उससे रिलेटेड नॉलेज ही नहीं थी, तो क्या करो, जब आप मॉक टेस्ट दे लेते हो ना, जो क्वेश्चन गलत गए उन क्वेश्चंस पर स्टार मार्क करो। एनालाइज करो कि ये क्वेश्चंस गलत क्यों गए, रीडिंग मिस्टेक की वजह से गए, OMR बबलिंग की वजह से गए, तो अगले मॉक टेस्ट में कोशिश करो कि ये दोनों गलतियां नहीं होंगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन गलत इसलिए गया है क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, तो इस क्वेश्चन पे डबल स्टार मार्क करो और 24 घंटे बाद इन्हीं क्वेश्चंस को वापस अटेम्प्ट करो। और ये क्वेश्चन जिन टॉपिक्स से उठाए हुए हैं उन टॉपिक्स को रिवाइज करो। उन टॉपिक्स पे भी कमांड अच्छी नहीं थी इसीलिए तो तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो अपने मॉक टेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों इस चीज का ध्यान रखना। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट आपका मॉक टेस्ट में जितना स्कोर आ रहा है उससे कितने नंबर ज्यादा आपके नीट में आए। सपोज इफ एट प्रेजेंट यू आर स्कोरिंग 550 मार्क्स इन नीट 2022 मॉक टेस्ट, तो आप क्या चाहते हो कि नीट 2022 के पेपर के दिन तुम्हारा मॉक टेस्ट के कंपैरिजन में कितना स्कोर और बढ़ जाए? मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल इंक्रीज माय मॉक टेस्ट स्कोर बाय 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 60 मार्क्स, 100 मार्क्स, कितने मार्क्स? मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल इंक्रीज माय मॉक टेस्ट स्कोर बाय। और कैसे स्कोर इंप्रूव होगा? जब आप इन चीजों पे वर्क करोगे तभी स्कोर इंप्रूव होगा। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल इंक्रीज माय मॉक टेस्ट स्कोर बाय कितने मार्क्स, क्विकली इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।